खबर धनबाद से आ रही है, जहां पर देर रात पुलिस मोटर पार्ट्स व्यवसायी दीपक अग्रवाल पर गोली चलाने वाले अपराधी छोटू अंसारी को पकड़ने गई थी और सूत्रों से पता चला कि पकड़े जाने के बाद पुलिस की पकड़ से भागने के क्रम में छोटू ने पुलिस के रिवॉल्वर छीनी और इसी क्रम में पुलिस ने उक्त अपराधी को दाएं पैर में गोली मारी है, जिसके बाद पुलिस ने छोटू अंसारी को इलाज के लिए SNMMCH में भर्ती कराया है। वहीं से DSP अजीत कुमार, DSP विधि व्यवस्था अरविंद कुमार, DSP अमर कुमार पांडे और कई थानों के थाना प्रभारी और पुलिस बल SNMMCH के कैथ लैब पहुंचे हैं और इस मामले पर पुलिस कुछ भी बताने से फिलहाल इनकार कर रही है। आपको बता दें कि धनबाद पुलिस ने देर शाम प्रेस वार्ता कर व्यवसायियों से भय मुक्त होकर व्यापार करने और बंद की अपील को खारिज करने का भी आग्रह किया था। अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजकुमार जुड़े हुए। राजकुमार, खबर सामने आ रही है कि व्यवसायी को गोली मारने वाले अपराधी को पकड़ने के दौरान पुलिस ने उस पर गोली चलाई है, फिलहाल क्या स्थिति है उसकी? काजल, बता दें कि जिस तरह से पिछले दिनों दीपक अग्रवाल को गोली मारी गई और उसके बाद पूरा धनबाद आंदोलित है, व्यवसायी वर्ग खासकर बेहद आंदोलित है, आक्रोशित है, और आज उन्होंने पूरे धनबाद के व्यवसायियों को आग्रह किया था और सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि आज धनबाद बंद रखेंगे। इस बीच पुलिस ने भी अपील की है कि लोग बंदी ना करें और वो सामान्य रूप से भयमुक्त होकर व्यापार करें, पुलिस उनकी सुरक्षा करेगी। किसी भी अपराधी को जो उस घटना में शामिल है उसे नहीं छोड़ा जाएगा। पूर्व में ही पुलिस कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही थी। इस बीच पुलिस को पता चला कि जो हमारे सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिल रही है कि पुलिस को पता चला कि कुछ अपराधी जो है वो बरोरा थाना इलाके में पड़े हुए हैं, वहां पे छुपे हुए हैं। पुलिस जब उसे पकड़ने गई, पुलिस ने पकड़ तो लिया, लेकिन बाद में पता चला कि पुलिस से छुड़ाकर वो भागने के क्रम में उसने पुलिस का रिवॉल्वर छीन लिया, तब पुलिस उसे पकड़ने के लिए पुलिस ने उसे गोली मारी है और गोली उसके बाएं दाहिने पैर में लगी है और तब जाकर पुलिस उसे हॉस्पिटल लेकर गई है इलाज कराने के लिए। हालांकि पुलिस की तरफ से इस तरह की कोई पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन हमारे सूत्रों ने बताया है कि ये घटना सच है। बहरहाल पुलिस जो है आज भी कार्रवाई जारी रखेगी और संभव है कि इस पूरे घटनाक्रम का पुलिस खुलासा कर दे और किन लोगों ने पुलिस को आंख में धूल झोंककर इस घटना को अंजाम देने का काम किया था, इन तमाम चीजों को पुलिस आज क्लियर कर देगी। बहरहाल आपको बता दें कि पुलिस किसी भी तरह से बैकफुट पर आना नहीं चाह रही है और व्यवसायियों से भी उन्होंने अपील की है कि वो बंद को वापस ले लें। बहरहाल आपको बंद के बारे में थोड़ा अपडेट दे दें कि आज जो बंद है उसका जिले के सभी 55 चेंबर ऑफ कॉमर्स ने इसका समर्थन किया है। इसके अलावा पेट्रोलियम डीलर एसोसिएशन, जो निजी क्लिनिक वाले हैं, बार एसोसिएशन, जो वकीलों का संगठन है, इन तमाम संगठनों ने और कई अन्य सामाजिक संगठनों ने भी बंद का जो आह्वान है उसका समर्थन किया है। तो संभव है कि आज जिले में तमाम जो OPD की सेवाएं हैं वो भी बाधित हो जाए और अन्य जो अस्पताल वगैरह है वो भी आज बंद रहे, सरकारी सेवाएं जो है वो बहाल रहेंगी। जी राजकुमार, फिलहाल स्थिति कैसी है, पुलिस ने क्या कुछ कहा है, क्या बयान दे रही है पुलिस की, क्या कुछ स्थिति है उस शूटर छोटू की? देखिए, पुलिस की तरफ से ना तो उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई है, ना ही मीडिया कर्मियों को वहां जाने दिया गया है जहां पर उस अपराधी का इलाज चल रहा है, लेकिन जो हमारे इंटरनल सोर्सेस हैं उनसे पता चल रहा है कि पुलिस उस अपराधी का इलाज SNMMCH में करवा रही है। क्योंकि पांव में गोली लगी है तो खतरे की कोई बात नहीं है, लेकिन प्रिकॉशन के तौर पर उसे अस्पताल में रखा गया है। संभव है कि वह गोली जो है वह अपराधी पुलिस डॉक्टरों के द्वारा निकाल भी लिया गया हो, लेकिन जब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो जाती इस मामले में हम बहुत अधिक आगे बढ़ने की स्थिति में नहीं है। तो पुलिस जो है पूरे मामले का जब उद्भेदन करेगी, संभव है कि आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जाए SSP का और उसमें तमाम चीजों को जानकारी मिल जाए। जी राजकुमार, इसके साथ ही आप हमारे साथ जुड़े रहे, हम आगे भी आपसे बातचीत करेंगे। राहुल का सपना डेस्टिनेशन वेडिंग, श्वेता को चाहिए रजवाड़ा थीम विद ग्रैंड स्टेज, पापा की टेंशन केटरर्स और फ्लोरल डेकोरेशन, और माँ चाहे बेटी का सुंदर सा मंडप। शादी की इन्हीं छोटी और बड़ी खुशियों को पूरा करने के लिए वाइल्ड वादी को चुने अपना वेडिंग वेन्यू, जहाँ अब बजेंगी शादी की शहनाइयाँ। रजवाड़ा थीम, ग्रैंड स्टेज, मंडप, बैंक्वेट हॉल, रूम, इलेक्ट्रिकल एंड जनरेटर फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, हल्दी टॉप, रथ, वेंडर्स फॉर केटरिंग एंड फ्लोरल डेकोरेशन, डेस्टिनेशन वेडिंग जैसे कॉन्सेप्ट के साथ विजिट वाइल्ड वादी वाटर पार्क रांची। वास हो घर पर माँ की कृपा और लक्ष्मी जी का वास हो। जगन्नाथपुरम स्पेसियस मेगा टाउनशिप NH2 पंडुकी बरवाड्डा धनबाद की ओर से आप सभी देशवासियों को
दुर्गा, शारदीय नवरात्र, दीपावली और लोक आस्था के महापर्व छठ की हार्दिक शुभकामनाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9430161093 और 9234213055 पर। स्वाद के साथ चाहिए स्वास्थ्य, तो आपके लिए है सियाराम फूड प्रोडक्ट्स का शुद्ध देसी गेहूं से निर्मित स्वादिष्ट फाइबर युक्त पौष्टिक श्री श्याम भोग चक्की फ्रेश आटा, 100% सिर्फ आटा, अलग अलग पैक में भी उपलब्ध। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट